हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आज हम लोग मनी बैंकिंग को पूरा एंड करेंगे और बैंकिंग में हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर देखा था सेंट्रल बैंक के सारे के सारे फंक्शंस सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में डिफरेंस और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल बैंक का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन जो कि है क्रेडिट कंट्रोल बाई सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक किस तरीके से क्रेडिट को कंट्रोल करता है उसको हम लोग आज देखने वाले हैं क्रेडिट कंट्रोल बाई सेंट्रल बैंक तो देखो यार सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई उसका एक फंक्शन है जिसको बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल क्रेडिट का मतलब है पैसा और कंट्रोल का मतलब है कि अगर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है अच्छा इन्फ्लेशन क्या होता है इन्फ्लेशन वो सिचुएशन है जहां लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या होता है प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं और इसी प्राइसेस को बढ़ना ही क्या कहलाता है क्लास इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन वो सिचुएशन है जहाँ लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा डिमांड करने की वजह से प्राइस बढ़ जाता है सामान का जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इन्फ्लेशन तो ये अच्छी चीज़ नहीं है महंगाई होना अच्छी बात नहीं है एक लिमिट तक महंगाई बढ़े ठीक है लेकिन प्राइस यहाँ काफ़ी बढ़ जाता है ज़्यादा डिमांड होने की वजह से विच इज़ नॉट गुड तो इसे आर ठीक करेगा तो यार देखो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में आर क्या करता है मनी सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट करता है क्या करता है क्लास रेस्ट्रिक्टेड कि भाई पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा और ना पहुंचे कहीं पब्लिक और ना ज़्यादा डिमांड कर ले पब्लिक और ज़्यादा डिमांड करेगी अगर अगर पब्लिक और ज़्यादा डिमांड करेगी तो इससे क्या होगा महंगाई और बढ़ेगी महंगाई और बढ़ेगी तो गरीब लोग चीज़ों को नहीं खरीद पाएंगे तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है राइट अच्छा अगर कंट्री में डिफ्लेशन हो मंदी हो लोग डिमांड नहीं कर रहे सप्लाई जो है वो ज़्यादा ज़्यादा है डिमांड बहुत कम है तो इस सिचुएशन में प्राइस कम हो जाएगा और प्राइस अगर कम होगा तो आर क्या करेगी मनी सप्लाई को लिबरलाइज करेगी लिबरलाइज का मतलब क्या है क्लास मनी सप्लाई को बढ़ा देगी ताकि लोगों के हाथ में पैसा पहुंचे और वो डिमांड करें अगर पैसा नहीं है लोगों के हाथ में तो आर पैसा पहुंचाएगी आर तक ज़्यादा है तो ले लेगी तो ये सारा का सारा काम वो एक पॉलिसी के थ्रू करती है जिस पॉलिसी का नाम क्या है क्लास मॉनेटरी पॉलिसी और आज हम इसी चीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि मोनिट्री पॉलिसी आखिर है क्या राइट देखो तो सबसे पहले क्लास यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दो तरह के मेजर्स हैं सबसे पहला क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव दूसरा है है क्वालिटेटिव पहला मेजर्स और दूसरा है क्वालिटेटिव मेजर्स क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स तो जो क्वांटिटेटिव मेजर है इसके अंदर हमारे पास चार इंस्ट्रूमेंट है जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करेगी कितने इंस्ट्रूमेंट है क्लास चार इंस्ट्रूमेंट तो वो, वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं सबसे पहला है बैंक रेट या आप इसे रेपो रेट भी कह सकते हो बैंक रेट या रेपो रेट दूसरा है सी एंड एस या फिर आप इसे मिलाकर एल कह सकते हो तीसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशन और चौथा है रिवर्स रेपोरेट मतलब ये चार इंस्ट्रूमेंट है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास क्वांटिटेटिव मेज़र में जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करेगा इस साइड भी क्लास हमारे पास तीन मेज़र्स हैं तो सबसे पहला है मार्जिनल रिक्वायरमेंट मार्जिनल रिक्वायरमेंट सी के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास की मार्जिनल रिक्वायरमेंट ही इसके अंदर आपको पढ़ना है मोरल सुइजन और क्रेडिट रेशनिंग में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि क्लास ये चीज़ सी के सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है साफ साफ सिर्फ उसमें यही पॉइंट लिखा हुआ है तो अगर क्लास बाद में मुझे कभी भी लगेगा कि आ सकता है तब हम डिस्कस कर लेंगे वैसे कुछ है नहीं एक मिनट का ही है बट मैं इसको नहीं करूँगा मैं स्ट्रिक्टली सी बी के के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ ये चारों और क्लास ये क्वालिटेटिव हम ये पढ़ने जा रहे हैं राइट तो यानी कि चार एक पांच हमारे पास पांच इंस्ट्रूमेंट है जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की बात करता है तो एक करे क्लास सारे इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं अच्छे से तो सबसे पहला है बैंक रेट यार देखो बैंक रेट या रेपो रेट आप इसे कहो बैंक रेट या रेपो रेट ये वो रेट है बैंक रेट या रेपो रेट वो रेट है क्लास जिस रेट पे बैंक रेट या रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है देखो यार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को लोन देगा कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेगा तो जिस रेट पे उस रेट को क्या बोलते हैं बैंक रेट देखो यार ये पब्लिक है ये है जनता हम लोग आप लोग ये है कमर्शियल बैंक राइट और ये है RBI, यह है आर यानी कि सेंट्रल बैंक ये हमारा बैंक और ये बैंकों का बैंक तो हम लोग कमर्शियल बैंक से जिस रेट पर लोन लेते हैं उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट या रेट ऑफ इंटरेस्ट और कमर्शियल बैंक जिस रेट पे आरबीआई से लोन लेता है अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए है तो बैंक रेट अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए है तो रेपो रेट कुल मिला के रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई और इट इज द रेट एट विच आर बी आई लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक आर बी आई कमर्शियल बैंक को जिस रेट पे लोन देता है उस रेट को रेपो, रेपो रेट कहते हैं कभी भूलना मैं टीचर पूछे क्या होता है तो जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट अच्छा अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए RBI क्या करेगा? बैंक रेट या रेपो रेट को बढ़ा देगा, कि को महंगे लोन देगा. जैसे ही आरबीआई कमर्शियल बैंक को महंगे रेट पर लोन देगा तो कमर्शियल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ा देंगे अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को महंगे रेट पर लोन देगा तो कमर्शियल बैंक पब्लिक को भी महंगे रेट पर लोन देगा और अगर पब्लिक को महंगे रेट पे आप लोन दोगे तो लोग लोन कम लेंगे अगर लोग लोन कम लेंगे तो कंट्री में डिमांड भी कम होगा अगर लोन मिलेगा ही नहीं तो लोग डिमांड कहाँ से करेंगे सारे नहीं तो बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो उधार लेके ईएमआई पे खरीदते हैं चीज़ों को क्रेडिट पे खरीदते हैं है ना वो सारी चीज़ें क्लास कम हो जाएंगी और बिज़नेस मैन को भी अगर लोन नहीं मिलेगा तो बिज़नेसमैन अपना काम नहीं कर पाएंगे लोगों को इनकम नहीं दे पाएंगे लोग डिमांड क्या करेंगे कम करेंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है क्लास रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देता है उससे अमाउंट ऑफ सॉरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक रेट रेट रेपो बढ़ाएगा उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा लोग लोन कम लेंगे लोन कम लेंगे तो डिमांड कम करेंगे कंट्री में अगर डिफ्लेशन हो कंट्री में डिफ्लेशन हो तो रेपो रेट को कम कर दिया जाता है कंट्री में अगर डिफ्लेशन हो तो लोग रेपो रेट को कम कर देते हैं जैसे ही रेपो रेट कम हो जाएगा जैसे ही रेपो रेट कम होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा जैसे ही रेपो रेट कम तो रेट ऑफ़ इंटरेस्ट कम आर ने सस्ते रेट पे दिया कमर्शियल बैंक को कमर्शियल बैंक पब्लिक को सस्ते रेट पे देगा तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो जो अमाउंट ऑफ़ लोन है वो बढ़ जाएगा और अगर अमाउंट ऑफ लोन बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे डिमांड ज्यादा करेंगे तो डिमांड भी बढ़ेगा तो बैंक रेट या रेपो रेट से क्लास गवर्नमेंट इन सॉरी कमर्शियल सॉरी आरबीआई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है सीधी बात रेपो रेट को बढ़ा के इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जाता है कम करके डिफ्लेशन कंट्रोल किया जाता है दैट्स इट ओके तो आई होप आप लोगों को क्लास रेपो रेट और बैंक रेट का ही समझ आ गया होगा सेकेंड है सी एंड एस देखो यार मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि लीगल रिजर्व रेशियो कमर्शियल बैंक को लोन देने से रोकता है अगर मैं आपसे बोलूं कि भी बैंक में आपने हजार रुपए जमा किया सी आर आर एस एल आर टेन परसेंट है तो अगर सी आर आर एस एल आर टेन परसेंट है तो बैंक जो लोन देगी वो देगी क्लास कितना नौ सौ हजार रुपए में से सौ मेंटेन हो गया नौ सौ नौ सौ लोन जाएगा अब अगर यही सी आर आर एस एल आर ट्वेंटी परसेंट हो जाए तो बैंक दो सौ रुपये जो है वो रिजर्व मेंटेन करेगी और आठ सौ का लोन अगर यही थर्टी परसेंट हो जाए तो बैंक तीन सौ रुपये रिजर्व मेंटेन करेगी सात सौ का लोन तो आप क्या देख रहे हो एल जितना ज़्यादा बढ़ेगा अमाउंट ऑफ लोन उतना ही कम होगा और एल जितना कम होगा अमाउंट ऑफ लोन उतना ही ज़्यादा होगा तो यार पैसा रिजर्व कर लोगे तो वो लोन नहीं दे पाएंगे बेचारे और रिजर्व नहीं करोगे तो ज़्यादा लोन देंगे तो यानी कि जो लोन देने की कैपेसिटी है किसी बैंक की एल आर आर पर डिपेंड करेगा तो अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन में आर बी आई क्या करेगा एल आर आर को बढ़ा देगा जैसे ही एल आर आर बढ़ेगा अपने आप ही लोन कम जाना स्टार्ट होगा और लोगों को लोन कम मिलेगा तो डिमांड कम होगा और एक्सिस डिमांड यानी इन्फ्लेशन के अंदर लोग डिमांड ज्यादा कर रहे थे ठीक करने के लिए हमने डिमांड को क्या कर दिया कम कर दिया कैसे एल आर आर को बढ़ा के राइट right? और अगर कंट्री में डिफ्लेशन है मंदी है तो आर बी को कम करेगी जैसे एल एलआरआर कम होगा तो लोगों को लोन ज़्यादा मिलेगा बैंक की क्रेडिट गिविंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो लोन ज़्यादा है तो लोग डिमांड भी ज़्यादा करेंगे समझ क्लास आगे बात तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्लास सी आर का इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है ओके तीसरा है क्लास यहां पे तीसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशन बड़ा ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं शेयर्स वो आर के थ्रू बेचे जाते हैं पब्लिक को या खरीदे जाते हैं अब होता क्या है कि ये है आर और ये है पब्लिक और ये है कमर्शियल बैंक ठीक है तो जब कंट्री में इन्फ्लेशन रहता है यानी कि टू कंट्रोल इन्फ्लेशन अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है महंगाई है लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो होता क्या है कि आर गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ है शेयर्स है वो बेच देता है जिसको ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं पब्लिक को बेचेगा तो अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो आर क्या करेगा अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो आर क्या करेगा सेल सिक्योरिटीज टू पब्लिक आर सिक्योरिटीज को बेचेगा पब्लिक को रबी क्या करेगा सेल करेगा सिक्योरिटीज टू पब्लिक जब आरबी पब्लिक को सिक्योरिटीज बेचेगा तो क्या होगा आरबीआई ने पब्लिक को सिक्योरिटीज को सेल किया तो पब्लिक पेमेंट करने के लिए कमर्शियल बैंक से पैसे विड्रॉ करेगी तो जिसकी वजह से आरबीआई सेल करेगा सिक्योरिटीज को पब्लिक को तो पब्लिक क्या करेगी विदड्रॉ पब्लिक विड्रॉ मनी इसी चीज को स्टेटमेंट में लिख देना है पेपर में बस और कुछ नहीं पब्लिक विद्रॉ मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक पब्लिक कमर्शियल बैंक से पैसा विड्रॉ करेगी जब पब्लिक कमर्शियल बैंक से पैसा विड्रॉ करेगी तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा देने के लिए लोन कम तो जब लोन कम होगा तो कमर्शियल बैंक डिमांड भी कम करेगा तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा सेल करेगा सिक्योरिटीज को पब्लिक को पब्लिक बैंकों से पैसा निकाल निकाल के ऑनलाइन ही पेमेंट होती है बैंक से पैसा निकल जाएगा तो बैंक लोन नहीं दे पाएगा और अगर बैंक लोन नहीं दे पाएगा तो बैंक डिमांड लोग डिमांड कम करेंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई सरकारी शेयर्स को पब्लिक को बेचता है और क्योंकि ये सरकारी शेयर है तो पब्लिक बहुत इंटरेस्टेड रहती है इसे खरीदने के लिए टू कंट्रोल डिफ्लेशन लेकिन अगर कंट्री में डिफ्लेशन है मंदी है तो आरबीआई यही अपने शेयर जनता से वापस परचेज कर लेती है और परचेज करके इनको पैसा पकड़ाती है और ये पैसा अपना कहां जमा करते हैं बैंक में तो बैंक के पास ढेर सारा पैसा आता है तो बैंक क्या करता है लोन देना स्टार्ट कर देता है <coughs> तो क्या क्या होता है इस केस में आर बी आई परचेज फ्रॉम पब्लिक आरबीआई पब्लिक से सिक्योरिटी को खरीदता है और पब्लिक फिर क्या करती है क्लास इस पैसे को पब्लिक डिपॉज़िट मनी इनटू कमर्शियल बैंक पब्लिक कमर्शियल बैंक में पैसा जमा करते हैं जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक लोन ज़्यादा देता है और अगर लोन ज़्यादा जाएगा तो डिमांड भी ज़्यादा अगर लोन ज़्यादा तो डिमांड ज़्यादा बात समझ आ गई क्लास यहाँ तक तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कुछ इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को तो आप बता सकते हो ओपन मार्केट ऑपरेशन में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो डन नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट अब यह रिवर्स रेपो रेट बेसिकली होता क्या है रिवर्स रेपो रेट यानी कि देखो यह है क्लास पब्लिक ये है कमर्शियल बैंक और यह है आरबीआई रेपो रेट आप सब जानते हो जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेता है कई बार ना कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस पैसा पड़ा रहता है अच्छा खासा पैसा कमर्शियल बैंक के पास आ गया तो कमर्शियल बैंक इस सरप्लस पैसे को आरबीआई को पार्क कर देती है ताकि क्लास उससे अच्छा खासा ब्याज मिल सके है ना भी एक पैसे का आइडियल यूज करना होता है ना घर रखे रखे पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ेगी तो इसको बोलते हैं क्लास रिवर्स रिवर्स रेपो रेट रिवर्स रेट जिस रेट पे कमर्शियल बैंक अपना सरप्लस मनी आरबीआई को पार्क करता है इस रेट को हम लोग क्या नाम देते हैं क्लास रिवर्स रेपो रेट जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जो है अपने सरप्लस पैसे को देता है वहां से जो ब्याज मिलता है उस ब्याज को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट अब टू कंट्रोल इन्फ्लेशन कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है तो अब रिवर्स रेपो रेट से कैसे कंट्रोल किया जाए टू कंट्रोल डिफ्लेशन अगर मंदी है तो कैसे कंट्रोल किया जाए ध्यान समझना अगर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है अगर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है आरबीआई क्या करेगा रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा जैसे ही रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा जैसे ही रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा यानी कि कमर्शियल बैंक को लग रहा है यार ये तो आरबीआई के पास पैसा पार्क करने से ज्यादा ब्याज आ रहा है तो वो पब्लिक को लोन कम देंगी जैसे रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगा तो इनका पैसा यहाँ चला जाएगा इधर लोन कम आएगा और जब जनता को लोन कम मिलेगा तो जनता डिमांड भी कम करेगी बात समझ भाई। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है जैसे ही रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा लोन का अमाउंट कम होगा लोन का अमाउंट कम होगा तो डिमांड कम होगा अच्छा डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया जाता है आरबीआई रिवर्स रेपो रेट कम करेगी तो कमर्शियल बैंक को लगेगा यार कुछ खास ब्याज आरबीआई दे नहीं रही है तो वो पब्लिक को लोन देने पे ज्यादा फोकस करेगी तो पब्लिक को लोन जाएगा ज्यादा और अगर पब्लिक को लोन ज्यादा जाएगा तो लोग डिमांड भी क्या करेंगे ज्यादा करेंगे तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है रिवर्स रेपो रेट से एक बार क्विकली क्लीयर रिविजन लेते हैं बैंक रेट बढ़ाएंगे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा ठीक है या रेपो रेट भी सीआर एस एल आर बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा घटाएंगे डिफ्लेशन कंट्रोल होगा सेल करेंगे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेस करेंगे डिफ्लेशन कंट्रोल होगा और अगर हम रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाएंगे तो भी इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा रिवर्स रेपो रेट को कम करेंगे तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगा बात समझ आई अच्छा इसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट है क्वालिटेटिव मेजर्स क्वान्टिटेटी तो हो गया अगला क्या है क्वालिटेटिव मेजर्स अगर मैं क्वालिटेटिव मेजर्स की बात करूं तो क्वालिटेटिव मेजर के अंदर सबसे पहला है मार्जिनल रिक्वायरमेंट मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्वालिटेटिव के अंदर सबसे पहला क्या है क्लास मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्लास ये मार्जिनल रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या है मार्जिनल रिक्वायरमेंट किसे कहते हैं होता क्या है कि अगर आप 10 लाख का लोन लेने चले गए तो बैंक बोलेगा आपको पंद्रह लाख की प्रॉपर्टी पहले गिरवी रखो तब जाके दस लाख का लोन देंगे तो यानी कि बैंक पांच लाख रुपए का मार्जिन क्रिएट करना चाहती है क्या क्रिएट करना चाहती है मार्जिन दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रिक्वायरमेंट इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट जहां बैंक क्या करती है कुछ एक्स्ट्रा मॉडगेज अपने पास रख लेती है ताकि आप मजबूर हो जाओ लोन की पेमेंट में अगर तुम दस लाख का लोन नहीं लौटाओगे तो बैंक तुम्हारे पंद्रह लाख की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगी तुम्हें धक्का लगेगा झटका लगेगा अगर पंद्रह लाख डूब जाएगा तो इससे अच्छा में दस लाख की लोन की पेमेंट करके अपनी प्रॉपर्टी छुड़ा लेता हूँ अपनी जो मॉडगेज है वो मैं बचा लेता हूँ दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रिक्वायरमेंट तो देखो यार अगर मैं आपसे बोलूँ कि पंद्रह लाख की प्रॉपर्टी है ठीक है मार्जिन है पाँच लाख का तो लोन कितना जाएगा आपके पास दस लाख का अगर पंद्रह लाख की प्रॉपर्टी में मार्जिन है सात लाख का तो लोन जाएगा आठ लाख का पंद्रह लाख की प्रॉपर्टी में मार्जिन आठ लाख का है तो लोन सात लाख का मार्जिन नौ लाख का है लोन छः लाख का तो मार्जिन जितना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है लोन का अमाउंट उतना ही घट रहा है तो मार्जिन और लोन में इनवर्स रिलेशनशिप है तो टू कंट्रोल इन्फ्लेशन टू कंट्रोल इन्फ्लेशन अगर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है कंट्री के अंदर महंगाई बढ़ रही है तो आरबीआई क्या करेगी मार्जिन को बढ़ा देगी जैसे ही मार्जिन बढ़ेगा तो लोन कम जाएगा मैंने दिखा दिया आपको और लोन कम तो डिमांड कम लोन कम तो डिमांड कम यानी कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट से ये जो मार्जिनल रिक्वायरमेंट है इससे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है मार्जिन बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा और मार्जिन घटेगा तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगा ये हो गया मार्जिन रिक्वायरमेंट राइट अच्छा अब घटाने वाले भी लिख लेते हैं अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो गया अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो गया टू कंट्रोल डिफ्लेशन अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो गया तो मार्जिन कम होगा तो लोन हो तो ज्यादा जाएगा और लोन ज्यादा तो डिमांड ज्यादा डिफ्लेशन में डिमांड कम हो रहा था तो आरबीआई की इन सारे इंस्ट्रूमेंट से लोन को डिमांड बढ़, को बढ़ाया जा रहा है इनफ्लेशन में लोग डिमांड ज्यादा कर रहे थे तो ये सारे पॉलिसीज़ लगा के डिमांड को कम किया जा रहा है ये हो गया क्लास हमारा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल किया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनिटरी पॉलिसी द्वारा ओके तो हमने बैंक रेट पढ़ा सी आर आर पढ़ा एस एल आर पढ़ा ओपन मार्केट ऑपरेशन रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट और मार्जिन रिक्वायरमेंट यहीं तक तुम्हें पढ़ना है ये क्लास क्वालिटेटिव का एक ही पढ़ना था क्लास ये आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर क्वालिटेटिव क्यों है नाम इसका क्योंकि यार इसे कंपल्सरी नहीं है देखो क्वान्टिटेटिव जितने भी न, है ना इट इज़ कंपल्सरी इसको फॉलो करना कंपलसरी है ये कंपलसरी नहीं है बैंक की मर्जी है फॉलो करना ना करना लेकिन क्लास ये जो क्वांटिटेटिव है ना ये सारे कंपलसरी और मेजर अमाउंट ऑफ क्रेडिट जो है ना एक्चुअली में वो इसी से कम होता है तो ये है आर की पॉलिसी मॉनिट्री पॉलिसी जिससे आर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है ओके okay? तो यहाँ तक अच्छे से कर लेना नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय गॉड ब्लेस यू अच्छा लगे वीडियो लाइक करना कमेंट करना चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन जरूर दबाना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय गॉड ब्लेस यू